फ्यू क्या फेस वॉश सॉरी वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश. आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू फाइंड द बेस्ट चॉकलेट केक इन दिल्ली. सो इंस्टाग्राम पे आई आस्क्ड यू व्हाट आर योर फेवरेट प्लेसेस टू गेट चॉकलेट केक इन दिल्ली. उसमें से मैंने कुछ टॉप प्लेसेस पिक करी है जहाँ के चॉकलेट केक्स आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ. मैंने ऐसा पहले कभी कुछ किया नहीं है सो आई एम सुपर थ्रिल्ड फॉर दिस एडवेंचर एंड कांट वेट टू टेक माई महिंद्रा XUV 300 ऑन दिस एक्साइटिंग हंट. I may be stressed about a lot of things for this mission, but I definitely don't need to stress about my cake spilling because this car is known for its comfortable ride quality. Let's get started. So let's go to our first destination, that is Theobroma, जो कि ओरिजिनली मुंबई से है. एंड आई रिमेंबर कि जब भी पापा पहले वर्क ट्रिप्स के लिए मुंबई जाते थे आई वुड ऑलवेज गेट हिम टू ब्रिंग बैक द Theobroma ब्राउनी जो कि मुझे एज अ किड बहुत ज़्यादा पसंद थे. बट टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द चॉकलेट केक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो Theobroma का ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा 120 रुपीज़ का केक है. स्मॉल साइज बट इट्स वेरी नीट एंड लेस भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है. लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट. जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी अनफॉर्चुनेटली ये केक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. दिखने में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है बट अनफॉर्चुनेटली टेस्ट वाइज इट इज़ थोड़ा सा ड्राई. जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा यम है. वेरी वेरी रिच एंड चॉकलेटी. आई जस्ट विश जो चॉकलेट केक है इन इट्स सेल्फ दैट वॉज थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट एंड थोड़ा लेस ड्राई. इसलिए आई एम गोना रेट दिस 6/10. वैसे गाइज डिड यू नोटिस माई राइड फॉर द डे. आई हैव टू से आई एम सुपर इम्प्रेस विद द महिंद्रा XUV 300 विच इज़ द परफेक्ट कंपेनियन फॉर मी टू एक्सप्लोर माई लव फॉर डिजर्ट्स विद अ साइड ऑफ थ्रिल. एंड ऑन दैट नोट अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हाईली वोटेड जगह थी विच इज़ बिग चिल केकरी. आई लव द स्लीक ऑल ब्लैक इंटीरियर्स. माई राइड हैज़ बिन सुपर कम्फर्टेबल एंड स्पेशियस. XUV 300 ऑफर्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ थ्रिल एंड द सेफ्टी फॉर द बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस. It is one of India's safest cars with 5-star adult safety rating and the perfect companion for me on this chocolate cake hunt because it's fast and also gives the driver total control of the vehicle, making it perfect for the city roads. All right, so the Big Chill cake is here and honestly Big Chill ke shelves ko dekh ke itni khushi milti hai because all the desserts are so good looking and I think that this cake is deserving of a face off. So ek kaam karte hain, next destination pe chalte hain, wahan se bhi chocolate cake lekar aate hain and then we'll compare the two and I am thinking let's do a face off with chocolate. That was a quick ride, wasn't it? Fun fact, XUV 300 is the fastest compact XUV on the Indian roads. Okay, so the Chocola chocolate cake is also here. And काफी ज़्यादा self-control के बाद, I am ready to dig into this stunning Big Chill का cake. As you can see, chocolate cake की दो layers हैं. Best part ये है कि जितनी ज़्यादा thick chocolate cake की layers है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा thick frosting की layer है. I am glad that a cake from Big Chill is just how it was packed. All thanks to the dual zone climate control feature that has kept the cake from melting and lets the driver and the passenger set different temperatures as per their needs. Just by the looks of it, this frosting is to die for. Agar aapko frosting itni zyada pasand nahi hai toh I don't think this cake is for you, but I love it. So fudgy. Such a happy dance. I can tell that the chocolate used for EBS cake ke liye and frosting ke liye is an excellent quality of chocolate. To be honest, mujhe Big Chill ki jo berry cakes hain, fruit cakes hain, wo thode se zyada pasand hai. But this one's pretty incredible too. I'm gonna rate this a 9.5 out of 10.
एंड अब ट्राई करते हैं चोकोला चॉकलेट केक. ये ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी के घर से पैक करवाया बिकॉज ऐसे एक प्लास्टिक के डब्बे में मुझे दे दिया गया है. नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द पैकेजिंग बट चोकोला इज़ वेरी पॉपुलर फॉर ऑल थिंग्स चॉकलेट सो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है. एंड दिस लुक्स प्रीटी क्यूट, काफ़ी फैंसी सा लुक है, ग्लेजी शाइनी टॉप एंड थोड़ा सा ऐसे गोल्ड लीफ भी डाला हुआ है फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लैमर. सो आई लाइक हाउ दिस लुक्स, लेट्स डिग इन. दिस चॉकलेट केक लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ. इसके अंदर भी तीन चॉकलेट केक की लेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा थिन बट स्टिल एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल. एंड जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है उसके बाद अलग से एक चॉकलेट ग्लेज का भी लेयर है. एंड ऑनेस्टली ऑल थ्री एलिमेंट्स आर सुपर रिच एंड डेकेडेंट. ये वाला चॉकलेट केक सम हाउ बिग चिल के चॉकलेट केक से थोड़ा सा बेटर है. उसको मैंने 9.5 दिए थे. So I think this deserves a 10. बहुत ज़्यादा yum है. And I just feel like जो Big Chill वाला केक है उससे this just feels थोड़ा सा more like how to explain. मतलब बट ये थोड़ा सा ज़्यादा रिच एंड थोड़ा ज़्यादा decadent है which is why that 0.5 extra point. तो माई निक बेकर्स का चॉकलेट केक इज़ हियर. एंड ऑनेस्टली मैंने निक बेकर्स से ज़्यादा डिजर्ट्स ट्राई नहीं करे बट इट सीम्स लाइक ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. एंड टू बी ऑनेस्ट द केक लुक्स डिलिशियस. लुक्स के बेसिस पे तो आई थिंक दिस डिजर्व्स अ 10/10 बिकॉज बहुत ज़्यादा रिच और टेम्पटिंग लग रहा है. ऊपर एक काफ़ी शाइनी सी चॉकलेट ग्लेज है एंड देन देयर इज लाइक अ स्वर्ल ऑफ अ फजी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग. तीन लेयर्स हैं विच आर वेरी नीट वेरी क्लीन. लेट्स गो. Oh my god. This is one of the best chocolate cakes that I've ever had. And I'm very surprised because mujhe is cake se and honestly Nick Baker se in general itni expectations nahi thi. But this is so rich and the chocolate ka flavor is absolutely perfect. The frosting is as delicious as it looks. Bahut rich hai. The chocolate cake is very soft. So aise fudgy chocolate frosting and soft chocolate cake ki three layers is just hitting all the right spots. This one for sure deserves a 10/10 and main ek aur bahut badi bite lene wala hu and I'm going to finish this one. तो गाइस ये लाडूरे का केक अभी तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट केक है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ. इस थिन से चॉकलेट केक का प्राइस है 520 rupees. सो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है. दिस बेटर बी गुड. लाडूरे बेसिकली एक फ्रेंच बेकरी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन फ्रांस एंड आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. लॉट्स ऑफ टेक्सचर्स. लेट्स गो. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. काफ़ी सारा क्रंच है केक में विच आई लव. कैरमल का भी एक लेयर है जो कि ऐसे नाइस एंड सॉल्टी है. सो आई लव दैट दिस इज़ नॉट वेरी ओवरली स्वीट. बिल्कुल भी टिपिकल चॉकलेट केक ही नहीं है. तो ऑनेस्टली इसको थोड़ा सा अनफेयर है टू कंपेयर इट टू अदर चॉकलेट केक बिकॉज इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट आई लव इट एंड आई फील लाइक वंस इन अ व्हाइल आई कैन ऑल्सो से दैट दिस इज़ वर्थ द प्राइस. So I'm going to rate this a 9/10. ये मुझे बहुत पसंद आया. So guys, this was so much fun and I think मुझे finally मेरा favorite chocolate cake मिल गया है दिल्ली का and it's going to be a tie between Chocola and Nick Baker's जो कि actually बहुत ज़्यादा surprising है because ये ऐसी bakeries नहीं है normally जहाँ से मैं usually जाके cake खाता हूँ. This was a lot of fun. It was indeed a thrilling journey and all thanks to Mahindra XUV300 that made this challenge an easy breezy experience. If you guys enjoyed watching this video, make sure you give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I've eaten so much chocolate cake, so I'm going to go to salty chips.